भी अपने नाम का होगा वो लेंगे और उसके बाद हम फिर अंदर चलेंगे। अंदर तो मेरे नाम से बन रहा है, अरुण कुमार के नाम से, ये देख लो, जूम करके दिखाओ यहाँ पे, और दिखा आज लास्ट है। मैंने कहा था ना यही रात अंतिम, यही रात भारी कम नहीं हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, और ये है पार्ट टू। हमारे ही गाँव में आज इलेक्शन है, 2 नवंबर है, तो आज की वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं वोट डालने जा रहा हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने जस्ट एक जानकारी दी थी कि अभी से 7:30 से शुरू हो चुका है, तो ये रही मेरी वोट के जो आइडेंटिटी कार्ड होती है वो, अभी मैं चलता हूँ। बाकी माहौल अभी काफ़ी गर्म नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग वोट दे के जा चुके हैं, अपनी अपनी जो योगदान होते हैं वो सभी दे के जा चुके हैं। बाकी देखते हैं हम वहाँ पर वो लेंगे, क्या कहते हैं, जो भी अपने नाम का होगा वो लेंगे, और उसके बाद हम फिर अंदर चलेंगे। अंदर का प्रोसेस भी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। वैसे क्या है इनका, नमस्ते अंकल जी। नमस्कार नमस्कार, और ठीक हो अंकल जी? बढ़िया 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 जी। ये हमारे सरपंच साहब जी है, और चलिए हम अपना वो ले लेते हैं जो वहाँ पे पर्ची मिलती है यहाँ पे, और इसको लेकर के वहाँ पे फिर वोट डालने के लिए ज़रूरी होती है। तो मेरे नाम से बन रहा है, अरुण कुमार के नाम से, ये देख लो, जूम करके दिखाओ यहाँ पे, रोशन नाम बताइए एक बार। 51 नंबर में, तो ये देख लीजिए, अरुण कुमार, पिताजी का नाम है शनफ नंद किशोर जी, वोट नंबर 21 है मेरा, और ये वार्ड नंबर 7 है। तो बड़े भैया हैं, और हम चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या रहेगा। बाकी सो गाइस, आगे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और दिखाते हैं आपको वहाँ पे भी कि कैसा है। बाकी इधर भी हैं हमारे अंकल जी खड़े हैं यहाँ पर बूथ नंबर पे, और देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारे दीपक अंकल जी है। नमस्कार अंकल जी, आज लास्ट है, मैंने कहा था ना यही रात अंतिम, यही रात भारी जी। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ से सब कैंडिडेट होते हैं जो जिनको पर्ची मिलती है, और उसके बाद सभी लोग वहाँ पर जाते हैं और अपने वोट देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या माहौल रहने वाला है। बाकी सभी रिजल्ट का यहाँ पे इंतज़ार करेंगे कि कौन क्या रहेगा रिजल्ट। शायद 6:30 या 7 बजे तक अनाउंसमेंट हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आप लोगों को सारा कंटिन्यू दिखाएंगे। अच्छे से जानो जी, तेरी वोट है क्या, बता। हाँ फिर कहाँ है अरवा। सो गाइस, अंदर का सीन दिखाता हूँ आपको, अंदर भी बहुत ही माहौल गर्म है अंदर का भी, और देख लो इस तरह से भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी भीड़ है, लोगों की यहाँ की भीड़ कम नहीं हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और इस तरह से देखो इधर भी पूरी की पूरी सभी लोग आ रहे जा रहे हैं, और पूरा का पूरा यहाँ पे माहौल है। और दिखाता हूँ आपको और भी, इस तरफ भी देख लो गाड़ियाँ, और इस तरफ भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और जो भी उम्मीदवार हैं, एक सरपंच साहब हमारे बीच में ये हैं, हमारे सरपंच साहब भाई जी है, कैसे हो भाई जी? और अपने भाई जी। सो गाइज, फाइनली मैं वोट दे के आ चुका हूँ, ये देखो, ये 30 तारीख वाला है और ये आज वाला, यानी कि वोट मैं दे चुका हूँ। मुझे बहुत खुशी और अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि हार जीत का खेल है, देखी जाएगा जिसको भी होगा। बाकी यहाँ का माहौल पूरा चल रहा है, स्कूलों के अंदर पूरी भीड़ थी वोट डालने वाले की, वोट डलवाने वालों की, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए चलते हैं घर पर, बाकी ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में और अपडेट के साथ। बाकी जब रिजल्ट आएगा तब एक और वीडियो आएगी। चलिए।